ओके तो इसके अलावा आपको क्या किन ध्यानों पर ध्यान देना है, जब भी आप रेस्टोरेंट को अप्रोच करोगे ना, ट्राई टू टॉक विथ देयर, होता है ना, मैनेजर से बात करो, ओनर से बात करो, कि आपको डेली बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें लगती है और कौन सा क्राउड आपके पास ज़्यादा है, सो दैट वी कैन ब्रिंग दिस प्रोडक्ट टू यू. ठीक है, अब इसमें कैसे ट्रेंड को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब ट्रेंड की बातें करते हैं ना, इसमें क्या है, आजकल लोग ज़्यादा हेल्दी खाना खाना प्रेफर करते हैं, शुगर फ्री हो गया आपका, है ना, आपका वेगन फूड्स के पास लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर आपका ऑर्गेनिक कितना है. अब यूजुअली कौन से प्रोडक्ट चलते पता है, जब मैं होटल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, रेस्टोरेंट एंड होटल इंडस्ट्रीज में, जब आप जिनको एक्सपोर्ट कर सके, इसमें आता है स्ट्रॉबेरी आता है, मशरूम आता है, ड्रैगन फ्रूट हो गया आपका, मेलन्स हो गए, देन आपका पपाया, एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स, है ना, पाइनएप्पल. अब ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप पार्टी हॉस्टल्स होते हैं जैसे हर कंट्री में पार्टी हॉस्टल्स मिलेगा आपको, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे दुनिया भर के फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं वहाँ पे, राइट. अब इसको आपको एक मन में क्वेश्चन आएगा कि आप इतना तो बता रहा हूँ मैं, बट डू इज दिस रियली वर्क. रीज़न आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एक होटल वाला इतना सारा कंसाइनमेंट कैसे ले सकता है. तो इसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं, जब आप मार्केटिंग सेशन अटेंड करोगे, कि आपके पास अगर एक्सपोर्टर हो आप और आपके पास बायर भी नहीं है, स्टिल वहाँ पे आप कैसे कस्टमर क्लियरेंस करवा के, कैसे फ्रीलांसर हायर करना, कैसे कंपनी देना, कैसे लाइसेंस यूज़ करना दूसरों की इंपोर्ट के टाइम, कैसे वहाँ के CHA को फाइन करके कंसाइनमेंट क्लियर करवा के वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट तक कैसे करना है, वो चीज़ें सेशन का पार्ट है. तो एक बात बता रहा हूँ इसमें एक छोटा सा, कि आप उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो कि एज़ पर देयर ये. और अल्दो आपको स्पाइसेस का मार्केट तो पता ही है सबको, कि स्पाइसेस मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट फॉर कि सब हर कोई इंडियन स्पाइसेस प्रेफर करता है, तो उस चीज़ के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो. तो बायर फाइंडिंग करना है, जब भी ये चीज़ है आप सेगमेंट देखिए, किन के लिए बेच रहे हो, कौन से लोकेशन के लिए बेच रहे हो, कहाँ कहाँ पे क्राउड ज़्यादा आता है, कौन सी कंट्री में कहाँ पे क्या चीज़ें चलती है, इंडियन लोगों का इन्फ्लुएंस कितना है वहाँ पे, लाइक उनका पॉपुलेशन कितना है वहाँ पे, ये चीज़ें का स्टडी करे बिना आप एंटर कर नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ गूगल पे सर्च करना एंड फाइंडिंग बार ये वर्क नहीं करेगा. और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, नहीं भी आता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, सो वी कैन डिस्कस द फर्दर. ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.